नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं हूं अभिजीत और आज की इस वीडियो में हम आपको संटावी गाड़ी की एक प्रॉब्लम जो है वो दिखाएंगे। लेकिन ना कि सिर्फ संटावी, बाकी जो सारे गाड़ी है जिसमें भी आपका स्टेयरिंग माउंटिंग स्विच रहता है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, उसमें कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका ये जो स्विच है वो सही से काम नहीं करता है। चाहे आप इसको वॉल्यूम अप या फिर डाउन करें, देखिए वहाँ पे मेरा ऑडियो में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मैं अभी इसको वॉल्यूम को लेके अप डाउन कर रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। और साथ साथ इसकी जो चैनल का चेंज का पोजीशन है ये भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये मूड वाला ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है और साथ साथ ये मोड वाला ऑप्शन भी काम नहीं करना है। तो बेसिकली बात यह है कि इसकी जो लेफ्ट साइड की ऑडियो वाला कंट्रोल सिस्टम है यह स्विच कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्रूज कंट्रोल या फिर क्रूज को अप डाउन करने वाला पोजीशन, ये तो मैं अभी फिलहाल दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन क्रूज जो है ये साइड की पोजीशन सारा काम कर रहा है। जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं जैसे ही क्रूज को प्रेस कर रहा हूँ तो क्रूज की लाइट जो है ये ऑन हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो भी सारा स्विच है इससे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी तो स्विच का प्रॉब्लम के डाउट की वजह से कुछ लोग स्विच चेंज कर देते हैं, शायद मेरा ये वाला स्विच खराब हो गया, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता है। इसकी मेन रीजन 99% केस में जो दिखाया जाता है कि इसके अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग है उसका ही फॉल्टी रहने की वजह से ये स्विच जो है ये काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होता है वो एक बार हम आपको दिखाते हैं, और साथ साथ ये भी दिखाएंगे क्योंकि संटावी गाड़ी बहुत कमी नॉर्मली हम लोगों के पास आता है कि प्रॉब्लम हुआ है और इसको कैसे खोलना है, ये बहुत सारे लोग को शायद नहीं पता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये बहुत आसानी से आप इसको कैसे खोलना है ये भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले तो एक चीज़ दिखा लेना चाहूँगा कि इस गाड़ी का जो साइड में नॉर्मल एलन की रहता है वैसा कुछ तो नहीं है। इसमें आपको एक नॉर्मल वायर टाइप का, ये खोलने के बाद मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कर पाऊंगा। इसमें बस मुझे एक रॉड टाइप का देके इसको खोलना है। तो चलिए कैसे खोलना है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए खोलने के लिए, जैसा कि गाड़ी में एयर बैग है, तो सबसे पहले मुझे गाड़ी की जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको डिस्कनेक्ट करके 30 सेकंड से एक मिनट तक कम से कम वेट करना है। तो दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल खोलने के 30 सेकंड से एक मिनट के बाद हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉर्मली दिखाई नहीं देगा बाहर से। मैं आपको ये खोल के पूरा क्लियर करता हूँ। बस अभी ये इस तरह का एक टूल से अभी हमको इसको प्रेस करना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेस किया इधर में मेरा गैप हो गया। तो ये साइड थोड़ा सा आप कंडीशन में रख के, जो अपोजिट साइड है इधर भी आपका सेम ही पोजिशन है, इसको बस ऐसे प्रेस कर देना है। तो दोनों साइड प्रेस करने के बाद ये मैंने इसको हाथ से बस टांग लिया। अब देखिए ये मेरा बाहर आ गया। अब ये कैसे काम किया वो हम आपको बस दिखाते हैं। इसके अंदर इस तरह का जो रॉड दिख रहा है ये है। तो जैसे ही मैंने इस तरह का जो टूल यूज़ किया इससे इसको प्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए जो हलचल हो रहा है इससे आपका यहाँ पे जो पोजीशन है ये दोनों अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगा तो उसमें आपका इस साइड अंगरा टाइप का कुछ है जो आपका ये DOB जो यूनिट है इसको पूरा लॉक करके रखता है। तो मेन बात यही है कि आपको कुछ भी अंदर से, तो मेन बात यही है आपको कुछ भी बाहर से ये वाला जो पोर्शन है इसको प्रेस करना है, तब जाके आपका ये जो DOB सिस्टम है ये अनलॉक होगा। और इसको खोलने के बाद आपको ये जो कपलर है इसको भी खोल लेना है। वैसे मैं वीडियो फालतू में बड़ा नहीं करना चाहता, इसके बाद जो है वो नॉर्मल सिस्टम है। आपको अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग है ये दिख रहा है। अभी मैं स्टीयरिंग व्हील खोल के जैसे ही क्लॉक स्प्रिंग को चेंज कर दूंगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है। वैसे आप चाहें तो मेरा क्लॉक स्प्रिंग के ऊपर वीडियो YouTube में अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं ऊपर में ये लिंक जो है शेयर कर देता हूँ। अब दोस्तों हम बस इसको फिट कर देंगे। ये मैंने खोल के ही रखा है, इसको बस ऊपर से बैठा के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसको ऊपर से जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये गैप देखिए ऑफ पूरा कम हो जाएगा। बस ये मेरा फिटिंग हो गया है, इसको प्रेस करने से ही ये प्रेस फिटिंग लॉक है। देख सकते हैं कि पूरा ये जो है परफेक्ट पोजीशन में लग गया है। तो अभी हम इस गाड़ी का जो बैटरी का पोजीशन है इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मेरा बैटरी का कनेक्शन जो है वो मैंने फिट कर दिया। अभी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से जो ऑपरेट नहीं हो रहा था वो हो रहा कि नहीं, मेरा ऑडियो का पैनल। और ये जो है अभी मैं इसका वॉल्यूम जो है इसको आप कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि वॉल्यूम आप हो रहा है। और जैसे ही मैं डाउन किया तो डाउन हो गया, म्यूट भी हो गया ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं वॉल्यूम को डाउन किया, इसको मैं एक
पॉइंट पे दे देता हूँ, दो पॉइंट में। तो अभी हम यहाँ से जो म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट का ऑप्शन हमको दिखाते, ये म्यूट का ऑप्शन प्रेस करने से देखिए वहाँ पे मेरा म्यूट हो जा रहा है। चैनल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आपका चैनल चेंज, मतलब ये जो स्विच पहले काम नहीं कर रहा था वो स्विच अभी पूरा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो जो है इससे पता चल गया होगा कि स्विच का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आगे से भी अगर आपका कोई भी गाड़ी हो जिसमें स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है उसमें इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें ना कि ये स्विच चेंज करके पहले जो क्लॉक स्प्रिंग है उसको चेक करिए, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होता है वो क्लॉक स्प्रिंग से ही ज़्यादातर केस में पाया जाता है। और इसका प्राइस लगभग अगर आपका नॉर्मल गाड़ी है तो 2000 के अंदर हो जाता है, लेकिन अगर संटा भी या फिर कुछ प्रीमियम कार होता है तो उसमें ये कम से कम 6500 के आसपास कुछ शायद इसका दाम है। इसमें अभी तो प्राइस टैग मैंने उखाड़ दिया, लेकिन इसमें 6500 के आसपास कुछ प्राइस पड़ जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये खोल के भी दिखा सकता था ये जो क्लॉक स्प्रिंग है इसमें क्या प्रॉब्लम था, लेकिन देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो खोल के दिखाएंगे, नहीं तो ये कस्टमर को रिटर्न करना है तो इसीलिए शायद इसके लिए मुझे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन हो जाता है तो मैं आपको आगे खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर की जो प्रॉब्लम था वो क्या था। वैसे दोस्तों इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, अगर आपको ये देखना है तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।